ट्विटर का मालिक बनने के बाद एलन मस्क उसमें लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पैरोडी अकाउंट्स को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। उनका कहना है कि वो हर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा जो अपनी पहचान बदलेगा। अब इसे लेकर आगे कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी बल्कि सीधे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मस्क ने कहा कि अगर कोई पैरोडी अकाउंट है तो उस पर साफ लिखा होना चाहिए कि वो पैरोडी अकाउंट है। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा जो किसी और का नाम या फोटो इस्तेमाल कर रहा होगा। एलन ने एक और ट्वीट में कहा कि किसी भी तरह के नाम में बदलाव से आप अपना वेरीफाइड अकाउंट का नुकसान कर सकते हैं। एलन मस्क ने फर्जी अकाउंट बनाने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने ट्विटर पर व्यापक तौर पर अकाउंट्स का वेरिफिकेशन शुरू करने का ऐलान किया है। ये कदम खबरों की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, साथ ही लोगों की आवाज को बुलंद करेगा। दरअसल एलन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर दुनिया के बारे में सबसे सटीक जानकारी देने का सबसे भरोसेमंद जरिया बने, इसलिए वो ऐसा हर जरूरी और सख्त कदम उठा रहे हैं जिससे कि यूजर्स पहले से ज्यादा आजादी के साथ ट्विटर का इस्तेमाल कर सके। गौरतलब है कि किसी शख्स ने एलन मस्क के नाम से फेक अकाउंट बनाया था। इस अकाउंट से हिंदी और भोजपुरी भाषा में कई ट्वीट किए गए थे जबकि ओरिजिनल आईडी इयान वुल्फोर्ड के नाम से थी। इस यूजर के ट्वीट्स वायरल होने के बाद ट्विटर ने इस अकाउंट का संज्ञान लिया और फौरन इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि ट्विटर ने अभी हाल ही में ट्वीट एडिट करने का ऑप्शन दिया है, हालांकि ये विकल्प अभी ब्लू टिक यूजर्स के पास ही अवेलेबल है जो कि एक पेड सर्विस है। इसके अलावा ट्विटर में वर्ड्स की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। ट्विटर ने फैसला लिया है कि वो जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक के बदले पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे। ये फीस $8 प्रति महीने तक हो सकती है। कई देशों के लिए ये नियम आ भी चुका है जबकि कई देशों में ये नियम जल्द ही लागू हो जाएगा। साथ ही वो कई कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल चुके हैं। हालांकि ट्विटर के कर्मचारियों को फायर करने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि कंपनी को एक दिन में $4 मिलियन का नुकसान हो रहा है। मस्क ने यह भी कहा था कि सभी निकाले गए कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी मिलेगी जो कानूनी रूप से 50% ज़्यादा है। हमारे इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।